हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रेविंग्स में। और आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। ये है कुंदरू की सब्ज़ी, जिसे कि कई लोग टेंडली भी बोलते हैं, लेकिन कई लोग इसे नापसंद करते हैं। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिए आधा किलो करीब टेंडली या कुंदरू, जो भी आप कहना चाहें। और इसके हमने इस तरीके से टुकड़े करने, ऊपर से नीचे से पहले आप काट लें और इसको दो इक्वल हिस्सों में आप बांट लें, बहुत ज़्यादा बारीक इसके हिस्से ना करें। तो हमारे सारे कुंदरू जो हैं वो कट के रेडी हो गए हैं। ये देखिए, अंदर से ऐसा लगता है जैसे खीरा होगा, उस टाइप से दिखता है ये। और अब हम क्या करेंगे, इन जो कटे हुए कुंदरू हैं इनको एक बोल में डाल लेंगे। तो कुंदरू को डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, और उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे हल्दी आधी छोटी चम्मच, धनिया ये भी हमने एक छोटी चम्मच डाला है, धनिया का पाउडर है ये, और एक छोटी चम्मच यहाँ पे डाला है हमने गरम मसाला। गरम मसाला का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आधी छोटी चम्मच है यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च, और इसके साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे डेढ़ चम्मच के करीब बेसन। बेसन हम यहाँ पे इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो सूखे मसाले हैं, बेसन है, ये अच्छे से बाइंड हो जाता है, बाइंडिंग का काम करता है बेसन यहाँ पे। और एक टेबल स्पून यहाँ पे मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और अब क्या करेंगे, हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं और बेसन है वो आपस में चिपक जाए कुंदरू के साथ। तो सारे मसाले हमारे जो हैं कुंदरू के साथ रेडी हो गए हैं बनके, और ये हमारा जो मैरिनेशन है कुंदरू का ये बिल्कुल रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसको पकाने की तैयारी शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने ले लिए एक कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डालेंगे दो बड़े चम्मच सरसों का ऑयल। और जैसे ही हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो जाता है तो हम क्या करेंगे, ये जो कुंदरू है इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पर हमारी गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखी है, हाई रखने पर कुंदरू जल जाएंगे। तो देखिए, मसाले जो इसके साथ डले हुए थे कुंदरू के साथ वो अभी भी चिपके हुए हैं, और बीच बीच में आप इसे चलाते रहेंगे। और इसे हमें 50% तक कुक करना है, 50% यानी कि कुंदरू जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, ये देखिए। और इसको हम ढक के पकने देंगे तब तक के लिए। और बीच बीच में हमने देखा भी था, और आप देख सकते हैं कि हमारे कुंदरू जो हैं वो 50% तक कुक हो चुके हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया है, लेकिन जो मसाले हैं वो अभी भी कुंदरू के साथ चिपके हुए हैं। यहाँ पे कुंदरू को फ्राई करने में लगभग हमें 5 से 6 मिनट लगे हैं मीडियम फ्लेम पे। और अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल के उसी कढ़ाई में, जिस कढ़ाई में हमने कुंदरू फ्राई किए थे, थोड़ा सा तेल और डालेंगे, सरसों का ही तेल यूज़ किया है हमने। और इसमें हम डालेंगे एक सूखी लाल मिर्च, जिसको कि हमने दो टुकड़ों में तोड़ लिया है। एक चम्मच यहाँ पर जीरा हमने डाला है, जीरा भी अच्छे से थोड़ा सा भुन जाए। तो एक तेज़पत्ता है जिसको आप तोड़ के डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डाला है एक टुकड़ा अदरक, और 3-4 कलियाँ लहसुन, और 2 हरी मिर्च, इनको हमने क्रश करके डाला है। आप चाहे तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो आप उनको बारीक बारीक काट के भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही हमारी ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँ, थोड़ी सी भुन जाएँ, तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको कि मैंने इस तरीके से लंबे लंबे लच्छों में काटा है, बहुत ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम डाल देंगे। और उसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे, इससे जैसे भी हमारा जो प्याज का कलर है वो हल्का सा पिंक हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना। हम डालेंगे अपने इसके अंदर जो कुंदरू हमने फ्राई करके रखे हुए थे, ये देखिए सारे मसाले हमने अभी भी डाल दिए इसके अंदर, जो कुंदरू पे चिपके हुए थे वो भी डाल दिया है। और इसको हम मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम यहाँ पे भी आप मीडियम ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई ना रखें। और इसको कंटिन्यूस आप 1 से 2 मिनट तक अच्छे से चला लें, ताकि जो मसाले जो हमने डाले थे, जैसे कि अदरक लहसुन का फ्लेवर है, वो इसके अंदर आ जाए। और 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको ऐसा करने में। और यहाँ पे हम टमाटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं गाइस, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम बना रहे हैं। अगर आप पसंद करते हैं तो आप डाल दीजिए, और नहीं डालना चाहें तो आप यहाँ पे हम डाल देंगे चाट मसाला, क्योंकि चाट मसाले से भी इसकी एक अच्छी सी खटास आ जाती है। और जो हमारी सब्ज़ी है वो बन के बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पर हम इसको गार्निश कर रहे हैं हरे धनिया से, फ्रेश हरा धनिया यूज़ किया है। एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर ट्राई कीजिए, एक बार अगर आप बनाएंगे तो आपको यकीन मानिए दोस्तों, कुंदरू आप दोबारा ज़रूर ट्राई करेंगे। तो आप इस कुंदरू की सब्ज़ी को पराठे या रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, मैं इसे पराठों के साथ सर्व कर रही हूँ। तो होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बने रहिए मेरे साथ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।